हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दो माह से जोधपुर में फंसे मजदूरों ने मांगी घर जाने की इजाजत। शहर में करीब 40 से ज्यादा मजदूर श्रेणी के ऐसे लोग भी हैं जो करीब यहां दो माह से फंसे हुए हैं। उन्होंने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई लेकिन उन्हें अपने घर नहीं भेजा जा रहा है। ये लोग यहां शीतला माता मेले में झूला व अन्य दुकानें लगाने आए थे। शनिवार को एक बार फिर इन लोगों ने पुलिस व जिला प्रशासन से गुजरात भेजने की मांग दोहराई। दरअसल मई माह में होली के बाद लगने वाले शीतला माता के मेले में गुजरात से करीब 40 मजदूर यहां झूला व अन्य दुकानें लगाने आए थे। वे मेले के दौरान यहीं पर रहते हैं लेकिन इस बार मेले के बीच में ही लॉकडाउन लग गया और आवागमन के सारे साधन बंद हो गए। ऐसे में ये लोग यहीं फंस कर रह गए। करीब दो महीने से ये जो कागा मेला शुरू हुआ उससे पहले ये लोग आए हुए, तो मेला तो शुरू हुआ नहीं, वो लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन से थोड़ा पहले ही जब ये ऐसी चर्चा चल रही थी बीमारी की तो बंद हो गया था। तो एक आध दिन रहा, इनके कोई सामान भी बिका नहीं, ये सारे लोग परेशान, इनके पास पैसे भी है नहीं और हम लोग इनके लोगों से इधर उधर से व्यवस्था करवा के खाने पीने की तो व्यवस्था करवाते हैं पर इन लोगों को दूध है बच्चों के छोटे मोटे, सिर्फ खाने ही मिलता है, दूध है चाय इस टाइप की चीज़ें इनको नहीं मिल पाती, परेशान है काफ़ी। ये लोग कहते हैं या तो हमारे यहीं कोई धंधा करवाने के लिए हमें व्यवस्था दो ताकि कोई धंधा कर सके, या फिर वहाँ पहुँचाने के लिए सरकार कोई व्यवस्था करे। अब जब से ये दो तीन दिन से जो सूचना आई है कि स्टेट बॉर्डर को राजस्थान में सील कर दिया, उसके बाद से ये काफ़ी लोग काफ़ी उत्साहित है, रोज़ आके हमें हमारे पास आते हैं। हमने भी कई बार बात की है प्रशासनिक अधिकारियों से मगर इनके ऑनलाइन अप्लाई भी किए उसके बावजूद भी कोई अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है, ना कोई इनके पास आया है ऐसे परमिशन वगैरह। शुरुआती दौर में इन लोगों को नगर निगम व समाज सेवियों की तरफ से खाना व अन्य सहायता दी गई लेकिन अब इनका कहना है कि ये सहायता भी धीरे धीरे बंद हो रही है। इन लोगों ने कई बार पुलिस व जिला प्रशासन से अपने घर भेजने की दुहाई दी लेकिन कर्फ्यू ग्रस्त इलाका होने का कहकर उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया। शनिवार को एक बार फिर ये अपने फरियाद लेकर नागौरी गेट पुलिस थाना पहुंचे और उन्होंने वहां से जाने की इजाजत मांगी। थाना अधिकारी जब्बर सिंह ने उनकी बात को प्रशासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।